गुड मॉर्निंग क्लास 8. सो वी आर इन चैप्टर्स स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. वी हैव डिस्कस्ड टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. दोज मेथड्स आर ओके, दे आर गुड, बट ओनली फॉर सर्टेन यू नो क्वांटम ऑफ द नंबर्स. कुछ बहुत बड़े नंबर जब हमारे पास होंगे, वी कैनॉट गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन एवरी टाइम और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन. So the more practical, more appropriate, and the method which really will be fruitful in your higher classes also, that is square root by division method. अब यहाँ ध्यान देना, division method से square root कैसे find out करते हैं? We have to find the square root of 4096. Now from the right side make pairs of the numbers. एक पेयर हो गया 96, दूसरा पेयर हो गया 40. नाउ चूज ए नंबर हूज स्क्वायर शुड नॉट एक्सीड 40. इट शुड बी जस्ट लेस देन 40. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 7, तो 7 का स्क्वायर 7 × 7 49. इट विल नॉट वर्क हियर. सो आई हैव टू गो फॉर 6. होने को तो 5 स्क्वायर भी 25 होता है, बट वेरी क्लोज टू 40. सो इट इज 6. 6 × 6 = 36. Remainder 4. Now this last digit 6, यहाँ रखो, add करो 6 + 6 = 12. Okay? Now बचा 4. Division में क्या करते हैं? हम next digit को उतारेंगे. यहाँ पे क्या करेंगे? आप next pair को उतारेंगे 9 6. अब 12 के आगे वही number लिखना जिससे हम इसको multiply करेंगे. डिविजन कैसे करते हैं? प्रोडक्ट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. सपोज 12 का आगे मैं लिखा 3, सो 123 डिवाइडेड बाय 3, 369. इट इज लेस देन 496. सो व्हाट आई विल डू? 124 × 4, 4 × 4 16, 1 4 × 8 9, 4 × 4 496 एग्जैक्टली. सो 124 × 4 496. You got 0. So we can say that square root of 4096 is equal to 64. जो यहाँ पे आएगा वो square root होगा. एक और क्वेश्चन से समझो. Square root of 15,876. So 15876 will make the base. Right side से 76. एक पेयर बन गया 5858. एक पेयर बन गया, ये वन अकेला लेगा, नो प्रॉब्लम. 1 × 1 = 1, रिमाइंडर 0. नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 58, तो लास्ट डिजिट 1, इसमें प्लस कर 1 + 1 = 2. 2 के आगे वही लिखना है जिससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज आई टेक 2 के आगे 3, 23 × 3 69, उससे ज्यादा हो जाएगा. So 22 × 2 = 44. 8 − 4 = 4. 5 − 4 = 1. अब नेक्स्ट पेयर 76. What is the last digit? 2. यहाँ रखो 22 + 2 = 24. 24 के आगे वही लिखेंगे जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज 24 के आगे लिखा 5. So 5 से मल्टीप्लाई 6 24 × 6 × 6 6 × 6 = 36 6 × 6 = 36 3 6 × 24 × 3 = 27 2 6 × 12 = 14 76. So 246 × 6 1476, remainder 0. क्या है 136? इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 15876 इज इक्वल टू 126. एक और एग्जांपल देखते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 213,444. 213444 पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर. इफ आई टेक 5, तो 5 × 5 = 25, विल बी मोर देन 21.
So I take 4 into 4, 16. 21 minus 16, remainder is 5. What is the next pair? 34. Now this digit 4 comes here, 4 plus 4, 8. 8 क्या है वही लिखेंगे जिससे उसको multiply करें. Suppose I take 8 is 7 into 7. 7 7 is 49, 4 7 is 56 and 4, 60. ज्यादा होता है. Suppose I take 86 into 6. 3, 51. 516 will do. So 86 into 6. 516. Subtract it. We are left with 18. Next pair 44. Last digit 6. Add 86 plus 6. 92. Now 92 क्या है वही एक है जिससे उसको multiply करेंगे. Suppose I write 92 क्या है हमने लिखा 2 into 2. 4, 4, 8. 1 into 4, 4. So 92 into 2. 1844. Remainder 0. What is here? 462. इसका मतलब square root of 213,444 is how much? 462. This is the long division method of finding the square root. In the next class, we shall discuss to find the square root of the numbers with decimals. Right, children? Try to solve the questions from NCERT questions.